बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी व दिग्गजांच्या प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप डाउनलोड करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आज हम तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ के जथेदार साहिब ज्ञानी कुलवंत सिंह जी, मीर जथेदार साहिब ज्ञानी ज्योतिंदर सिंह जी और हमारी कार सेवा वाले महापुरख बाबा बलविंदर सिंह जी लंगर सेवा वाले और बाबा नरेंद्र सिंह जी लंगर सेवा वाले, उनके आदेश के ऊपर कल महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी से मुलाकात की और वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र के माननीय पांडे जी से मुलाकात की और आज उन्हीं के कहने पर यहां के आईजी साहब से मुलाकात की। जैसे कि आप जानते हैं, एक घटनाक्रम घटा जो कि किसी भी सूरत में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी और आगे भी ना आए, इसकी भी हम चिंता करते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है वो हमेशा अत्याचार के खिलाफ अपनी बात को रखने में, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में जानी जाती है, ना कि कभी भी किसी हुड़दमबाजी में या किसी भी तरीके के। इसलिए पहले तो हमें बड़ा खेद है कि ऐसी कोई भी घटना जो घटी, पूरी दुनिया के अंदर लोग हमें जिस नजरिए से देखते हैं उससे हमें खुद को भी बहुत ठेस पहुंची है और हम भी ये महसूस करते हैं कि ऐसी कोई भी एक छोटी घटना भी जो है वो हमारे जो कई सौ सालों की सेवा होती है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करती है। इस बात का हमें बड़ा खेद है। हमने आज बाबा नरेंद्र सिंह जी के साथ यहाँ के आईजी साहब से मिले, उनको सारे केस की जानकारी दी, क्योंकि ये घटनाक्रम के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका इस घटना से कोई भी वास्ता नहीं था, क्योंकि ये तो या तो गुरुद्वारे के प्रशासन के चलते वहां पे आए थे या तो वो एक श्रद्धालु के रूप में वहां थे और उनकी वहां पे मेयर प्रेजेंस जो है उसके कारण वो पुलिस के अरेस्ट हुए और आज 120 दिन होने को आए हैं, जिसमें हमारे एक पत्रकार, एक हमारे छायाकार जो हमारे फोटोग्राफर भी थे जिनकी नई शादी हुई है, इसी तरह एक हमारे जो नगीना घाट के ग्रंथी साहिबान थे सरदार परमजीत सिंह जी यानी परमजीत सिंह जी, इसी तरह एक नौजवान हमारा और बेटा, एक बेटा है उसके पिताजी भी जिनको दुकान पे थे, जिनका कोई इस केस से वास्ता नहीं थी। सारी बातें हमने आईजी साहब के संज्ञान में लाई है। मुझे इस बात की बड़ी तसल्ली है कि जो अल्फाज आईजी साहब ने इस्तेमाल किए कि आप हमें एविडेंस के साथ उन सब की बात में लिखित में जानकारी दें, और आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिलाया कि किसी भी सूरत के अंदर कोई भी ऐसा नजायज आदमी अगर जाता है तो हमारे भी लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, हम इस मसले को उस लोगों को तुरंत बाहर निकाल लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले भी जो नाम उनकी संज्ञान में लाए गए चार, उनको भी उन्होंने तुरंत बाहर निकाला जो कि इस केस में इन्वॉल्व नहीं थे। ऐसे जितने भी नाम आपकी जानकारी में हैं हमें एक लिस्ट बना के दें, जो कि हमारे माननीय लड्डू सिंह जी जो महाजन जी और हमारे अमनदीप सिंह जो कि एडवोकेट अमनपाल सिंह जी यूनाइटेड सिख से हैं, जो कि काफी दिन से यूनाइटेड सिख इस काम में लगी हुई हैं, तो ये पूरी लिस्ट तैयार करके विद एविडेंस उनको प्रोवाइड करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज को पहुंचाते हैं। हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी का, यहाँ के डीजीपी साहब का और आईजी साहब का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो हमारा पर्पस था वो हमारा यही था कि कोई ऐसा बेगुनाह जो है, हमारी माताएं यहां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, क्योंकि शरारती लोग तो भाग जाते हैं शरारत करके, भुगतना उन लोगों को पड़ता है क्योंकि उनको लगता है हमने गलत किया नहीं, हमें क्यों क्या करेगा। तो यहां पर भी वही घटनाक्रम बना है, वो लोग घेरे में आए जिनका इस
लड़ाई से या आप कहीं या हुड़दमबाजी से कोई वास्ता नहीं था। तो अभी हम अगली कार्रवाई के लिए भी लिखती तौर पर उनको सारी डिटेल्स देंगे और उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया कि जल्दी जो आप एविडेंस देंगे उसके बिहार पे ऊपर जो भी बनती कार्रवाई होगी हम तुरंत वो कार्रवाई करेंगे और अब बेगुनाह लोग अंदर ना रहे इसकी हम चिंता करेंगे। और आपका कोई सवाल हो तो बताएं। कितने लोग हैं? देखिए अभी तो आज लिस्ट बना रहे हैं, माता जी से हमारी बहनें आई हैं, उन्होंने बहुत, क्योंकि ऐसा है ना सबका अलग अलग केस है, कोई दुकान पे बता रहे हैं, कोई अपने ऑफिशियल ड्यूटी पे थे, तो वो लोग उस असेंबली का हिस्सा तो हो सकते हैं लेकिन उस असेंबली में किसी तरीके की हुड़दमबाजी करने का हिस्सा नहीं थे वो, इसलिए लीगली भी उनको वहां पे खड़े होने का अधिकार रोकता नहीं है कानून उनको। तो हम ये सारी लिस्ट ड्राफ्ट करके एक बार आईजी साहब के पास रखेंगे और जल्दी, उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी आप मुझे देंगे उतनी जल्दी मैं कार्रवाई करके इसके ऊपर तुरंत अपनी रिपोर्ट दूंगा। नहीं, हमने अभी कोई रिटर्न में मेमोरेंडम नहीं दिया क्योंकि हम अपने लोगों से बातचीत करके बाय नेम उनका एविडेंस लगाकर देना चाहते थे। हमारा काम, हम कोई हवाई में कोई चीज बांटने नहीं आए कि जी एक मेंबर मेमोरेंडम दे दो, जो ना कोई पढ़ता है आप भी जानते हैं ना कोई इसके काम आता है, वो डस्टबिन में फेंकने के काम आता है। हम कोई भी ऐसा कागज शेयर नहीं करना चाहते जो मात्र डस्टबिन के लिए हो, हम वो कागज शेयर करेंगे प्रशासन के साथ जो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ हो और जिस कागज के ऊपर सरकार कार्रवाई करके हमें जवाब दे सके और इन लोगों का रास्ता निकल सके, हम वो कागज बनाकर प्रॉपर फॉर्मेट में हम आईजी साहब को सबमिट करेंगे। यहाँ पर एक घटनाक्रम घटा जिसका हमें बड़ा खेद है, दुख है। उसके बाद बहुत सारे जो नौजवान थे वो पुलिस की गिरफ्त में आए, 120 दिन से ज्यादा हो गए। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्रॉपर एविडेंस हैं जो कि उस केस के दौरान या तो अपनी सेवा निभा रहे थे या तो कोई फोटो खींच रहा था। इसी को चलते हमने कल गृह मंत्री जी से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने डीजीपी साहब से कहा, हमने डीजीपी साहब से मुलाकात की और उन्हीं के निर्देश के ऊपर आज हमने आईजी साहब से मुलाकात करके इन सभी केसों की उनको जानकारी दी। हमने उनको बताया कि किस तरह से जो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें लगता है कि बेगुनाह लोग अरेस्ट हुए हुए हैं और हमारे पास पुख्ता एविडेंस है, तो उन्होंने हमारी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि आप रिटर्न में उनके नाम भी दें और उनके एविडेंस भी दें, जैसे अभी मेरे पास अभी भी इनके कागज हैं, तो हम उनके इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करके और जो लोग बेगुनाह हैं उनको किसी भी सूरत के अंदर उन पर कार्रवाई न हो इसकी हम चिंता करेंगे। हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए। हमें इस बात का खेद है जो होले मल्ले वाले दिन यहां घटनाक्रम घटा, क्योंकि हमारा कभी भी पर्पस ऐसा नहीं रहता कि कोई आदमी का नुकसान हो उसके लिए हम जिम्मेवार ठहराए जाएं, ऐसा हमने कभी भी काम नहीं किया। तो आज जो हमारे यहां सबसे सम्मानित तख्तों में से हमारे एक तख्त हैं, पांचवें तख्त हैं, और यहां के तख्त के जो जथेदार साहब हैं यानी कुलवंत सिंह जी और मी जथेदार यानी ज्योति यानी जितेंद्र सिंह जी और हमारे बाबा बलविंदर सिंह जी, बाबा नरेंद्र सिंह जी लंगर सेवा वाले, उनकी आदेश अनुसार हमने सारे कार्रवाई शुरू की थी। अभी हम अपने आईजी साहब को रिटर्न में भी सारी डिटेल लिख के देंगे और कोर्ट के अंदर भी अपनी अर्जी को दाखिल करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई हम पूरी करेंगे ताकि हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी बाहर आ पाए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस जो है जानबूझ करके जो बेगुनाह असली ये है मुख्य आरोपी जो उनको छोड़ गए उनको छोड़ के बेगुनाह जाती कर रही है? हमने ये सारी बातें आईजी साहब की जानकारी में लाए हैं क्योंकि बेगुनाह बहुत सारे हैं और जो करने वाले शरारती लोग होते हैं उनको पता होता है, वो शरारत करके भाग जाते हैं क्योंकि उनको रोज का काम, तो भाग जाते हैं। इस तरह से लॉयन रहते हैं कि जब से चार्जशीट दाखिल होती है किसी को अरेस्ट किया जाता है कितने दिनों के अंदर उसको बेल मिलनी चाहिए, ये जानबूझकर पुलिस की जाती हो रही है ऐसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल, हमने ये जानकारी लाई है। मैं ये कह रहा हूँ ये सारी बातें हम गृह मंत्री से लेकर डीजीपी साहब से लेकर आईजी साहब की जानकारी में लाए हैं, इसीलिए ये मसला जो है अब ऊपर के अफसरों के हाथ में है। हम भी ये मानते हैं कि इंसाफ तभी होगा जब ऊपर इस ब्यूरोक्रेट सिस्टम जो है वो इसको फॉलोअप करेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आईजी साहब ने हमें, हमारा बहुत बड़ा डेलीगेशन दिया था, हमारे सभी डेलीगेशन से बात की और जो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया उससे हमें बड़ी एक बात स्पष्ट होगी कि आज के बाद किसी बेगुनाह पे अत्याचार नहीं होगा, किसी बेगुनाह के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा तो बाहर आएगा, ये हमें पूरा विश्वास होगा। अब हमारी तरफ से कमी रहेगी कि हम जितनी जल्दी इनको कागज प्रोवाइड करा पाएंगे उतनी जल्दी हमारी कार्रवाई शुरू होगी। थैंक यू।
ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाइव ला सब्सक्राइब करा।